हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं अभी किचन में आई हूँ नहा धोकर। तो मतलब ये अभी दोपहर हो चुकी है, तो दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और यहाँ मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। तो दाल चावल सब्जी यही सब हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी आज सब्जी है जो कि है आलू की पोस्तू है। तो आलू टमाटर की जो पोस्तू बनती है वो मैं बना रही हूँ। तो आलू को फ्राई करके ना मैंने यहाँ पे जो है देखिए कढ़ाई में दे दिया है उबलने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सी सब्ज़ी होती है, जल्दी बन भी जाती है और कुछ भी ज़्यादा तेल मसाले ये सब नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी बन रही है और मैंने यहाँ पे मिक्सर में जो है मिक्सर का जो ग्राइंडर होता है उसमें मैंने पोस्तू ले लिया है पीसने के लिए। तो इसकी गटर में बार बार उल्टी लगा रही थी और इसको लगाने के बाद मैं पोस्तू पीस लूँगी। तो यहाँ देखिए आलू जो है मेरा बिल्कुल पक चुका है, इसमें बस पोस्तू जो मैंने पीस कर रखा है उसमें डालने की देरी है। तो थोड़ा सा ही उबल जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी, उसके बाद सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। क्योंकि पोस्तू में जो है पोस्तू को देकर जो है ना उबालना नहीं होता है, और जो ये सब्ज़ी बनाते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। तो ये हमारे यहाँ सप्ताह में जो है हफ्ते में एक बार बन ही जाती है। एवरीवन गुड इवनिंग। तो दोपहर को खाना वाना बनाने के बाद ना मैं मतलब खाना खाया, सबको खिलाया, फिर वही जो काम होते हैं बर्तन वगैरह समेटना, किचन क्लीन करना, वो सब हुआ। उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। उसके बाद मैं पता नहीं क्यों थोड़ा आलस आने लगा मुझे, और ठंडा ठंडा वेदर था ना तो मुझे नींद आ गई। वैसे सोई तो हूँ नहीं क्योंकि अभी सोता नहीं है, तो वो किसी को सोने नहीं देता है घर में। मतलब ना मतलब थोड़ी सी लेटी थी पर आलस आ रहा था, तो वही थोड़ी देर सोई। और अभी शाम के 5 बज गए हैं तो चाय वगैरह पिया, मतलब पी ही रही हूँ, यहीं पे रखा हुआ है ग्लास मेरा। सबको चाय दिया, चाय बनाया, और अमीर को अभी दूध बिस्किट खाने के लिए दिया है, वो खा रहा है अभी। तो फिलहाल वेदर अभी जो है, अब जाके थोड़ी सी बारिश अभी बंद हुई है, मैं फ़ैन बंद कर दूँ तो फिर आवाज़ नहीं आएगी क्लियर। तो अभी 1 घंटे से बारिश अभी बंद है, नहीं तो कंटिन्यू 48 घंटे से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश चल रही है। मतलब हम परेशान हो गए, हम सोच रहे जहाँ पे ये साइक्लोन उठा है उड़ीसा या उधर के साइड में, तो वहाँ क्या हालत होती होगी। वहाँ तो आंधी तूफान सब आया है और चारों तरफ न्यूज़ वगैरह में दिखा रहा है, चारों तरफ बारिश, मतलब नदियों में बाढ़ आ चुका है। हमारे यहाँ तो बस थोड़ी थोड़ी बारिश ही हो रही है, पर अभी बारिश बंद हो गई है, 1 घंटे से बारिश नहीं हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैं चाय पी रही थी। वीडियो की एडिटिंग है, एक तो मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ और ब्लॉग बनाएंगे तो जिसके कारण मैं एडिट भी नहीं कर पाई। मैं दोपहर में ही एडिट करती हूँ, तो सोचा था कि एडिट करूँगी पर मुझसे तो एडिट हुआ नहीं, सो गई। तो अभी सोच रही हूँ कि जल्दी से देखती हूँ एडिट कर लूँ तो लाइव कर पाऊँगी, देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं, ठीक है। और वेदर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का कैसा है। तो ये देखिए अभी बिल्कुल बारिश बंद है, बिल्कुल कुछ अभी बारिश नहीं हो रही है और चारों तरफ गीला गीला सा हो गया है पेड़ पौधे सारे। तो अब जो है मैं फिर से किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी 6:30 या 6:45 का टाइम हो रहा है और अभी अबीर के ट्यूशन सर आए हैं। तो हमारा चाय तो पहले ही हो चुका है, तो मैं 1 कप में चाय बना रही हूँ ट्यूशन सर के लिए। और यहाँ पर 2 बिस्किट मैंने कप में रख दिया है, क्योंकि खाली 1 कप चाय देना अच्छा नहीं लगता है डेली में, क्यों इसीलिए मैं डेली बिस्किट भी देती हूँ चाय के साथ में। तो यहाँ पे चाय बस थोड़ी देर उबलना है, तो उबल जाएगी तो फिर मैं उनको लिए मतलब ट्यूशन सर को चाय दे दूँगी। और अभी खाने वाने की तैयारी मैंने कुछ भी नहीं की है, मतलब सब्ज़ी अब बना मतलब रेडी हो गया है, आटा वगैरह सब मैंने गूँथ लिया है और बस सब्ज़ी बनाने की देरी है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सब कट कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा चाय बच गया था तो वही मैं अपने ले रही थी, क्योंकि मैं तो चाय की शौकीन ही हूँ, तो थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा कि मैं ही पी लेती हूँ, अभी तो किसी को पीना नहीं है। तो चाय मतलब चाय पीने के बाद मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी, और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। तो अभी डिनर का टाइम हो गया था तो मैं फिर जल्दी जल्दी आई पराठे बनाने के लिए, तो गर्मा गर्म पराठे बनाऊँगी। और ये देखिए मेरे पराठे बन भी चुके हैं, और ये सब्ज़ी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। और इसके बाद जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये वीडियो है सैटरडे की, तो सैटरडे मतलब जो इसके पहले वाली वीडियो देखना आप लोगों को देखा वो थर्सडे की थी, और थर्सडे को फिर जो वीडियो मैं बनाई थी मैंने फ्राइडे को लाइव नहीं कर पाई, और फ्राइडे को भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो उसके बाद डायरेक्ट यहाँ मैं सैटरडे को जो है आज वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो आज किचन क्लीनिंग हो रही है मेरी, तो क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है इसलिए। तो यहाँ पे किचन के जितने भी रैक हैं सबके मैं मतलब पेपर वगैरह हटाकर मैं जितने भी सारे डब्बे हैं सबको मुझे धोना है,
तो आज तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, क्योंकि सारे डब्बे जितने अभी दिख रहे हैं सब मैंने धोया है, और इसके साथ मैंने फ्रिज वगैरह सब मैंने क्लीन किया है, मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी रैक हैं यहाँ पे सारे मैंने पेपर वगैरह सब हटा दिया है, और जितने भी डब्बे धोने लायक थे, जो डब्बे खाली हो गए थे उनको मैंने खाली करके धोया है, जो डब्बे ऊपर से धोने वाले थे सबको मैंने ऊपर से धोया, ये देख लिए। तो सारे डब्बों को मैंने यहाँ पे मतलब धोकर मैंने यहाँ फ़ैन के नीचे रख दिया है ताकि अच्छे से सूख जाए, फिर मैं इसको अरेंज कर दूँगी। तो इसके अलावा और भी कुछ डब्बे वगैरह हैं, बहुत डब्बे थे, ऐसे तो किचन में लग रहा था कि कुछ भी डब्बे नहीं है, पर जब धोने में तो फिर हालत ख़राब हो गई थी। तो ये देखिए सारे मैंने रैक वगैरह सब खाली कर दिया है, और इतने यहाँ पे कांच के जितने बर्तन थे मैंने सबको अलग से धोकर सूखने के लिए रख दिया है, सबको मैंने धोया, जितने भी बर्तन डब्बे मेरे थे सब मैंने आज किचन वाली धोई है। ये दो डब्बे हैं उनको भी मैंने धोया है, और ये जो अचार के बोयाम होते हैं उनको मैंने अच्छे से ऊपर से पोंछ कर इसको रख दिया है। और अब जो मैं नहाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, और नहाने के बाद मैं फिर खाना वाना खाने के बाद मैंने सारे जितने भी मतलब बर्तन थे सबको मैंने अरेंज किया है, जितने कांच के बर्तन थे ये देखिए आपको पूरा साफ साफ लग रहा होगा, सारे डब्बे वगैरह सब। तो मैंने जितने भी डब्बे आपको दिख रहे सबको मैंने धोया है, ये देख लीजिए। तो और खाना वाना खाने के बाद मैंने ये रेस्ट एकदम रेस्ट नहीं किया, उसके बाद डायरेक्ट मैं लग गई थी, क्योंकि फिर अगर बैठ जाऊँगी तो फिर काम नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से मैं थक गई थी। तो और ये वाले कागज़ में दिखा रही थी कि ये मैंने इस पे सब पे डाल दिया है, घर में ये पड़े हुए थे तो मैंने इन कागज़ को ही डाल दिया है, और मैंने बोला था ना कि फ्रिज में मैंने क्लीन किया है, तो ये देखिए पूरा फ्रिज मैंने क्लीन किया है, एक एक मतलब सबको धोया है, अच्छे से पोछा है। वैसे मैं फ्रिज का अलग से वीडियो बनाने वाली थी फ्रिज क्लीनिंग के ऊपर, पर मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत काम था। और ये वाली जो देख रहे हैं आप कवर मीशो से ही मैंने मंगवाया है फ्रिज के लिए। वैसे ये कवर जो है मैंने जो है 8-10 दिन पहले ही मंगवाया था, पर मैंने जो आप लोगों को दिखाया नहीं था, और मैंने सोचा था मैं फ्रिज क्लीन करूँगी इसके बाद में ही दिखाऊँगी, तो मैंने उसको अच्छे से जो है कपड़े से पोंछ लिया है। वैसे फ्रिज को तो मैंने अंदर से पूरा क्लीन किया है, और बाहर से भी मैंने गीले कपड़े से पोंछा था, पर मैंने सोचा नहीं एक बार मैं कॉलिन से अच्छे से पोंछ देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही कवर लगाऊंगी, तो देखने में अच्छा लगता है। और क्लीनिंग तो चल ही रही है, तो अभी तो हर एक चीज़ को की मतलब मेरी क्लीनिंग चल रही है, सबको अच्छे से पोंछना धोना यही सब मेरा चल रहा है। फ्रिज की सफाई मेरी अच्छे से हो गई है अंदर बाहर सब से। तो यहाँ देखिए ये वाला कवर मैंने मंगवाया है ब्लू कलर का, तो ठीक ही है, पर मैंने बहुत सारे देखे थे मीशो में बहुत सारे कलर, पर मैंने बोला ठीक है, मतलब जितने प्राइस में मैंने लिया है प्राइस के हिसाब से ये ठीक है। तो अंदर वाला भी मैट मैंने जो ग्लास के अंदर होता है ग्लास के ऊपर बिछाने के लिए वो मैंने इसमें डाल दिया है, और ये ऊपर वाला जो कवर होता है टॉप वाला वो भी डाल दिया, और ये हैंडल का है तो हैंडल में भी मैंने इसको चिपका दिया है, और ये अच्छा है, अच्छे से इसमें जो चिपकने के लिए दिया हुआ रहता है वो है, अच्छे से चिपक चुका है, तो यही मैं अच्छे से लगा रही थी। मैं देख रही थी कि अच्छे से टाइट हो जाए तो फिर अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बार बार वो लूज होता रहता है ना, तो फिर वो मतलब सिकुड़ सिकुड़ सा जाता है, इसीलिए तो मैंने इसको अच्छे से जो टाइट करके लगा दिया है। तो फाइनली ये देखिए मेरा फ्रिज बिल्कुल रेडी है अंदर बाहर से अच्छे से, तो मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। तो ये वाला देखिए ये 3 ग्लास है मेरे, तो मैंने इसको डाल दिया, और नीचे वाला थोड़ा सा अच्छे से ना फिटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि ये नीचे वाले अब मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा काट दूँ तो फिर अच्छे से इसमें सेटिंग हो जाएगी। तो 2 तो बहुत अच्छे से हो गया है, और ये हैंडल और ये ऊपर का मैट। तो आज का वीडियो यहीं तक, आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।